हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टीट जीके में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आपको सीटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे या 5% नंबर मिलेंगे या 2.5% नंबर मिलेंगे। ठीक है, 2.5 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर मिलेंगे, ये कंफ्यूजन दोस्तों दूर हो जाएगा और आंसर की भी बहुत जल्दी आपकी आने वाली है इसकी। देखो दोस्तों आज की जो है वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों का 2 बार मिलेगा लाभ, 2 बार मिलेंगे आपको ये। ठीक है, सी ग्रुप में मिलेंगे 2 बार और डी में तो 1 ही बार मिलेंगे, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, आर्थिक सामाजिक आधार के सीटी में 5% और चयन में 2.5% अंक मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब अब सीटी हुआ है, आपको पता है सीटी कितने का हुआ, 95% अंक का हुआ, मतलब 95 नंबर का हुआ है, तो 95% तो इसमें पेपर हो गया, 5% जो है इसमें जो है आर्थिक सामाजिक आधार के जो है यहां पर नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है इस पेपर में सीटी के पेपर में तो आपको मिलेंगे 5% नंबर। ठीक है, कितने मिलेंगे, 5% नंबर मिलेंगे सीटी के पेपर में, जोड़ के बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जब ग्रुप सी का जो दूसरा पेपर होता है, ठीक है, दूसरा जो पेपर होता है ग्रुप सी का, उसके अंदर आपको मिलेंगे 2.5% मार्क्स। ठीक है, ये बात आप क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों फिर से मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं क्या कुछ दे रखा। प्रदेश में ग्रुप सी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटी को आयोजन जो है आयोजन वगैरह हो चुका है इसका। 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच सामने आ रही आर्थिक सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को 2 बार फायदा मिलेगा। पहला, जब जब पदों का विज्ञापन जारी होगा तो यह सामाजिक आधार के 5% अंक भी जोड़े जाएंगे, यानी 95 अंक का तो सीटी और 5% जो है सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाएंगे। बात करें दूसरे पेपर की, जब दूसरा होगा तो उसमें ग्रुप सी में चयन के समय जो है पात्र उम्मीदवार जो भी होंगे उसको 2.5% जो है अंक का लाभ मिलेगा। ठीक है, और ऐसे में इस श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों को जो है भर्ती में 2 बार लाभ मिलेगा। 5-6 नंबर को जो है आयोजित सीटी में 7.53 लाख युवा बैठे थे, इसमें से यहां पर जो है 15-20% परीक्षार्थियों को यह लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी के लिए सीटी फरवरी में होना संभावित बताया जा रहा है, इसमें करीब 22,000 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, तो दोस्तों और ये जो है ये सिर्फ क्या है, जो ग्रुप डी की भर्ती होगी वो सिर्फ मेरिट आधार पर होगी और उसमें जो है सामाजिक आर्थिक जो आपके नंबर है वो दूसरी बार नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ इसमें 5% ही जुड़ेंगे, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ग्रुप सी का जो सीटी का पेपर हुआ है सीटी के अंदर तो जुड़ेंगे 5%। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा, ठीक है, आपका पोस्ट के लिए, उसमें जुड़ेंगे 2.5%। ठीक है दोस्तों, और यहां पर आपका जो है आंसर की के बारे में भी बोला गया है, जल्द ही होगी आंसर की जारी और उसके बारे में दोस्तों फिर से जो है ऑब्जेक्शन भी मांगे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई है। तो दोस्तों यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।